नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिविक्स क्लास। तो जो आज न्यूज पढ़ने जा रहा हूँ वो नव भारत टाइम्स से है, स्कूल से रिलेटेड है। मैं सोचा आप लोगों को क्यों ना बता दूं। तो मेरा जो स्क्रीन फोन है थोड़ा सा गया है टूट, मेरे हाथ से गया था, फिर मेरा फोन छूट, इसलिए हो गया थोड़ा सा ब्रेक। ठीक है, तो चलिए जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं, पहले अपने खबर पे ध्यान देते हैं। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर एलजी का ब्रेक, तो स्कूल कब खुलेंगे, जाने क्या है सरकार की प्लानिंग। और ये देख लो न्यूज कब की है, ये 22 जनवरी 2022 एक बजे की है, अभी की है। ठीक है, तो फिलहाल हम अपने उस पर चलते हैं, देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया है क्या नहीं बताया है, उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। ठीक, दिल्ली में कोरोना केस कम होने के बाद सीएम केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने की योजना पर ब्रेक लग गया है। इसके लिए सीएम की तरफ से भेजी गई सिफारिश पर राज्यपाल ने अपनी हरी झंडी नहीं दी है, ना हरी दी है ना लाल दी है। ठीक है, ऐसे में पेरेंट्स के मन में सवाल उठ रहे हैं कि राजधानी में स्कूल कब खुलेंगे। भैया बच्चे भी परेशान, पेरेंट्स भी परेशान कि स्कूल खुलेंगे तो खुलेंगे कब, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इसके अलावा लोगों के मन में यह भी सवाल है कि बच्चे के फाइनल एग्जाम स्कूल में ही होंगे या नहीं, मतलब कहाँ होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, कहने का ये मतलब है। सूत्रों के अनुसार, समझ रहे हो, मतलब फॉर्मूले कहाँ कहाँ नहीं लगते, आप यहाँ में भी फॉर्मूले लगे हैं। सूत्रों के अनुसार जनवरी में स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है, कतई नहीं है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी एलजी को भेज दिया गया है। ठीक है, मतलब कोई जनवरी में खुलेगा ही नहीं, ये समझ लो आप। फरवरी के पहले सप्ताह में भेजे जा सकते हैं प्रस्ताव। दिल्ली में अभी स्कूल को खोलने के बारे में फरवरी के पहले हफ्ते में चर्चा होने की उम्मीद है। मतलब जनवरी तो खत्म ही समझो, और वैसे भी आज कितनी तारीख है, 22 है, बस ये महीना वैसे खत्म होने वाला है, तो जनवरी के, हाँ फरवरी के स्टार्टिंग में खुल सकते हैं। सूत्रों का कहना है, देखो हर जगह सूत्र लग रहे हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले लग चुके हैं। फॉर्मूलों का कहना है कि कोविड के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन जनवरी में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के बारे में कोई विचार नहीं है। फरवरी के पहले हफ्ते में सरकार की ओर से इस बारे में कोई प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है, जिसे DDMA को की बैठक में लाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है, वाजिब, इतने सूत्र तो आपके सिलेबस में है जितने सूत्र इसके, मतलब इस न्यूज में है। सूत्रों का कहना है कि अभी सभी क्लासेस के स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी भैया, ऑनलाइन क्लासेस। अगले महीने पहले सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट के लिए स्कूल खोलने के बारे में फैसला लिया जाएगा। जैसे सीधी सी बात है, पहले 11th 12th फिर 9th 10th फिर 8th 8वीं तक के बच्चों को दिया खोला जाएगा। ठीक है, शिक्षा निदेशालय के निर्देश के मुताबिक ही तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, जैसे वो कहेंगे तब वैसा ही होगा। और मेन पॉइंट ये देख लो, दिल्ली में अभी ऑनलाइन जारी रहेगी पढ़ाई। ठीक है, जारी है पढ़ाई, ऑनलाइन करेंगे क्या, यही चालू जारी रहेगी। महाराष्ट्र में कोविड के मामलों में गिरावट और पीक गुजर जाने की अटकलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल खोलने का बड़ा फैसला लिया है। मुंबई समेत राज्य के अन्य हिस्सों में 24 जनवरी से स्कूल खुल रहे हैं। हालांकि दिल्ली में अभी ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने के बावजूद स्टूडेंट की पढ़ाई न रुके, उन्होंने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की बात कही है। बात तो कह दी भैया, लेकिन हो कहाँ रहा है। ठीक है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ के और परेशान हो जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी टीचर परेशान कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले हैं जो ऑनलाइन पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, उनकी आंखें थक चुकी हैं, वो नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, सरकार कई सारी योजनाएं बना रही है, हैप्पीनेस के कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम कराया जा रहा है। जो करिकुलम कराया जाए, क्या बच्चों असल में इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए भी तो कमेटी होनी चाहिए। नहीं, बच्चों का सच में मानसिक संतुलन काफी घबरा गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार स्कूल बंद है और छोटे बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऑफलाइन देखता हूँ, वो पहले जैसे जिनकी उनकी बुद्धि थी पहले से कम हो चुकी है। कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई खेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फोन में चला रहे हैं पबजी, फायरफॉक्स, पता नहीं क्या क्या चलाते रहते हैं, तो यही सब सीन चलता रहता है आपका। वैसे कुछ बच्चे हैं वो भी परेशान है कि स्कूल सच में खुल जाए, पेरेंट्स भी चाहते हैं स्कूल खुल जाए, देखते हैं स्कूल कब खुलता है। और प्यारे बच्चों, क्या आप सभी के स्कूल में वर्कशीट भेजी जा रही है, तो ये कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि ऑफलाइन कुछ बच्चे मुझे मिले हैं कह रहे भैया आपके, मतलब कि हमारे ग्रुप में वर्कशीट भेजी ही नहीं जा रही है। ठीक है, तो जो हम वर्कशीट करा रहे हैं क्या सबके ग्रुप में भेजी जा रही है कि नहीं भेजी जा रही, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।